1,25,000 नु एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज मैं आपको बैटल ऑफ चमकौर की वो कहानी बताने जा रहा हूं, जहां औरंगजेब के 1,000,000 से भी ज्यादा सैनिकों के आगे महज 40 सिख थे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी भी शामिल थे। 22 दिसंबर 1704 संसार का सबसे अनोखा युद्ध शुरू हो गया। मुगलों के सेनापति वजीर खान ने ऐलान करवाया कि अगर गुरुदेव ने हमारे सामने हथियार डाल दिए तो उनकी जान बख्शी भी जा सकती है। बदले में गुरुदेव जी ने तीरों की बौछार करवा दी, लेकिन सामने इतने ज्यादा सैनिक होने की वजह से तीर खत्म होने लगे। फिर गुरु जी ने एक रणनीति बनाया और 5-5 लोगों की टुकड़ियों को किले से बाहर भेजने लगे। एक एक सैनिक मुगलों के हजारों सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ये पांचों सैनिक एक एक करके शहीद हो गए। अब गुरु जी के खुद के अलावा उनके पास सिर्फ 7 सैनिक बचे थे। फिर गुरु जी के सैनिकों ने उन्हें वहाँ से जाने की गुहार की, क्योंकि उस वक्त उनका वहाँ से जाना ही सही था। फिर गुरु जी अपने 2 अन्य सैनिकों के साथ निकल गए। लाखों सौ में सिर्फ 3500 सिख सैनिकों के थे। इस युद्ध में मुगलों पर ये 40 सैनिक इस कदर भारी पड़े कि मुगलों को सर झुकाना ही पड़ा।